जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था तो फाइल मैनेजमेंट पहले मैंने एक बार करवा दिया था आपको, लेकिन बाकी है, इस बार रिवीजन में बाकी है। लेकिन डोस के बारे में मैंने नहीं बताया था। अब तक क्या क्या हो गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया बच्चों क्लियर। इससे भी पहले क्या हो गया, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्लियर है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला पॉइंट तो आपका ये था। दूसरा पॉइंट ये था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है क्लियर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपके क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा पॉइंट था आपका, पहला था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उनमें आया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट था आपका वो यही था, वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने पूरा समझा दिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के और यूजर के बीच में होता है, वो सारे डायग्राम मैंने आपको समझा दिए थे। फिर मैंने फोर्थ पॉइंट कराया था आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। फिर पांचवा पॉइंट मैंने आपको करवाया था, पांचवा पॉइंट मैंने बताया था कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनमें क्या क्या अंतर है क्लियर, ये सारा कंसेप्ट हो गया था। इसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, पेजिंग और स्वैपिंग बता दिया था, पेजिंग बता दिया था एंड स्वैपिंग बता दिया था क्लियर, यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, सीपीयू शेड्यूलिंग बता दी थी, सीपीयू शेड्यूलिंग बता दी थी, सीपीयू शेड्यूलिंग बता दी थी। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, डेडलॉक, डेडलॉक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, डेडलॉक क्लियर बच्चों। अब डेडलॉक में लास्ट साइड कंप्लीट नहीं हुआ था, बैंकर्स एल्गोरिथम रह गई थी। कौन सी एल्गोरिथम, बैंकर्स, तो बैंकर्स एल्गोरिथम को अपन समझ के फिर डोस के ऊपर चलते हैं, डोस को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये सारे टॉपिक हो गए, 1 2 3 4, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। अब क्या क्या बचा अपने पास, एक तो डॉस और डॉस की कमांड बची है, डॉस और डॉस की कमांड, डॉस बचा है और डॉस की कमांड बची है क्लियर, यानी इनके ऊपर अपन को समझना है, डॉस और डॉस की कमांड। दूसरा बचा है फाइल और फाइल के टाइप, फाइल और फाइल सिस्टम बचा है, फाइल एंड फाइल सिस्टम बचा है क्लियर बच्चों, ये पॉइंट आपके और बाकी है। अच्छा डिस्क की शेड्यूलिंग कहीं आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा, डिस्क शेड्यूलिंग भी आपको करवा दूंगा, ताकि आपको बार बार कोई एग्जाम के लिए बार बार आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़े। अब आईए में क्या क्या आता है, डिस्क शेड्यूलिंग के अलावा सब आता है आईए में, आईए में पूरा कोर्स है, एक डिस्क शेड्यूलिंग नहीं आती। और प्रोग्रामर हो, प्रोग्रामर में तो खैर ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन आएंगे आएंगे, तो बाकी एनवीएस केवीएस में डिस्क शेड्यूलिंग भी आएंगे, एक चैप्टर आपका एक्स्ट्रा बनेगा, ये मान के चलो इस वीक में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 6 दिन के अंदर अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। फिर नेटवर्किंग मैंने पहले भी बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है, थोड़ा सा उसको स्पीड से ले लेंगे क्योंकि रिवीजन ही तो है, तो पहले वाली नेटवर्किंग देख लोगे तो फटाफट हो जाएगा। तो बच्चों जो आईए में लगभग 80% टॉपिक केवल 5 चैप्टर से आते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अब अपन क्या लेंगे इसके बाद, नेटवर्किंग लेंगे। तो नेटवर्किंग, इंटरनेट और सिक्योरिटी इनसे, और उसके बाद अपन लेंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। बस अगर ये पोर्शन भी कर गए तो आईए में जॉब लग जाती है। और याद रखना आईए में ट्रेडिशनल जीके के साथ साथ आपकी करंट जीके भी आती है, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान रखना। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन 2 पॉइंट को खत्म कर देता हूँ। सबको पता है अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, आज का जो टॉपिक है वो जो मैं आपको समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, एमए डोस क्या है, इसके कौन कौन से वर्जन आए, इसके अलावा मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल कमांड क्या होती है और एक्सटर्नल कमांड क्या होती है क्लियर, इनको समझाऊंगा। हो सकता है आज आज में ये कंप्लीट नहीं हो तो कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, एमए डोस का पूरा कंसेप्ट कल तक बता देंगे। फिर बचेगी आपकी फाइल, जो फाइल देख लेंगे क्लियर। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर कल आपने जो बताया उसको थोड़ा सा रिपीट कर दो 5 मिनट में, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चों मैंने जो बताया, मैंने ये बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया डेडलॉक क्या है, तो डेडलॉक का मतलब इनफाइनाइट टाइम वेटिंग होती है। और याद रखिए अगर दो प्रोसेस और एक दूसरे ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं
और उनका वेट कर रखा है जो एक दूसरे ने होल्ड कर रखे हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा डेड लॉक। और डेड लॉक के लिए मैंने आपको कहा था कि डेड लॉक अगर सिस्टम में आ जाता है तो सिस्टम की एफिशिएंसी को खत्म कर देता है, बच्चों सिस्टम को ही खत्म कर देता है एक तरीके से मान के चलिए। तो फिर क्या होगा, डेड लॉक को आपको पहचानना पड़ेगा। फिर मैंने कहा था डेड लॉक आने के चार कारण है, क्या क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रमिशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेटिंग। बच्चों ये चार कारण अगर है तो भी डेड लॉक आएगा, इनमें से तीन भी होगा तो डेड लॉक नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन ये उठा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कोई रिसोर्सेज की शेयरिंग नहीं करना चाहते, वो होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बिल्कुल, इंडियन हिस्ट्री के एक क्वेश्चन पिछली बार आया था सिंगल क्वेश्चन, तो अब की बार भी आ सकता है सुनील जी, लेकिन हमको तो करवाना है। देखिए आप पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ यह तुम्हारी निजी प्रॉब्लम है, लेकिन कल अगर हमारे वीडियो में से क्वेश्चन नहीं आया तो तुम ही कह दो कि सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो हमारी ड्यूटी तो ये है, क्योंकि आईए का कोई विस्तृत सिलेबस नहीं है, केवल तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी डाल रखा, तो हमारी ड्यूटी तो ये है सभी करवाना है। लेकिन आप ये क्वेश्चन लास्ट में भी पूछ सकते हो, क्लास को खराब करने के लिए चल देते हो, या दुश्मनी है क्या क्लास से कुछ? सर इंडियन हिस्ट्री करे उससे अच्छा सर कंप्यूटर पे बिल्कुल, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सीईटी नहीं देना तो फिर आप कंप्यूटर पे फोकस कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एग्जाम कंप्यूटर और रीजनिंग से निकल जाते हैं। मैथ पे भी फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल रीजनिंग और कंप्यूटर पे फोकस कर लीजिए, और थोड़ा करंट जी के पढ़ते रहिए डेली, तो आपका ये निकल जाएगा। करंट में भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट आप ज्यादा पढ़िए। ठीक है बच्चों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, देखिए क्या पढ़ना है उससे ज्यादा क्या छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। तो आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी इनको छोड़ सकते हो, आप राजस्थान जीके को अच्छा कर लीजिए, इसके अलावा आप कंप्यूटर के पार्ट को अच्छा कर लीजिए, इसके अलावा रीजनिंग को आप अच्छा कर लीजिए। क्लियर, बस ये तीन टॉपिक भी अगर ढंग से कर लिया तो आइए तो 100% बन ही जाओगे, क्योंकि औरों का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं होता जबकि वो वाइड होता है। कंप्यूटर टीचर में भी जीके वालों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन रीजनिंग वालों का हुआ है। तो याद रखिए जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो सिलेक्शन को खींच लेते हैं, तो थोड़ी रीजनिंग पे कमांड बना लो, पूरी रीजनिंग आपको करवा रखी है। यही नहीं, रीजनिंग हर जगह काम आएगी, रीजनिंग बच्चों वाकई हर जगह काम आती है, राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, मेरी जो बातें की है मैंने, जो आपको समझाया उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। तो बच्चों चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपन। करंट तो देखिए, करंट आपने नहीं करवाया, देखिए करंट ऐसे नहीं होता डेली का डेली, करंट पहले करवा रखा है अंबिका मैडम ने पिछले साल का, और 6 महीने पुराना भी करवा रखा है। अब जो करंट तैयार होगा वो नोटिफिकेशन आते स्टार्ट हो जाएगा, करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे बच्चों, करंट के नाम पे कोचिंग स्टार्ट किया तो करंट करवाएंगे, करंट करवाएंगे, लेकिन अभी करंट करने का कोई मतलब नहीं है, तब तक आप किताबों को पढ़ते रहो। अभी सबसे ज्यादा फोकस आप कंप्यूटर पे करो, कंप्यूटर पे ज्यादा ज्यादा ध्यान केंद्रित करो, और रीजनिंग को निकालते रहो, रीजनिंग नौकरी लगाती है, रीजनिंग नौकरी लगाती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का करंट करवा दिया मैंने, उससे ज्यादा बनता ही नहीं, जितना मैंने टेक्नोलॉजी का करंट कराया है उससे ज्यादा नहीं बनता। टेक्नोलॉजी वाला सर ने करवा दिया, अरे मैंने जो करवा दिया उससे बाहर बनेगा ही नहीं, टेक्नोलॉजी में इतना करवा दिया मैंने। ठीक है, तो वो करंट तो कर ही लेना, बाकी ट्रेडिशनल जो करंट है वो मैडम करवा देगी। अब देखिए बातें मत करो, इनको कोर्स को खींचना भी है, मैंने 120 वीडियो बोले थे, ये 150 के आसपास चले जाएंगे अगर इस तरीके से करोगे तो आप। ठीक है, ये 120 वीडियो वो वीडियो होंगे, अगर इनको भी तुम देख के चले गए तो आपकी नौकरी लग जाएगी। रीजनिंग के तो वो वीडियो है, अब उनको कम नहीं कर सकते इसलिए उनको देखते रहो। तुमने एक बार अगर मेरी रीजनिंग देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो कंप्यूटर टीचर में तुमने देख लिया होगा, एक एक क्वेश्चन मेरे रीजनिंग की क्लासेज में से आया था, मैथ देख ली तो इस ब्रह्मांड में ऐसी मैथ तुमने कभी पढ़ी नहीं होगी जैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो एक बार मैथ जरूर देख लेना, रीजनिंग भी जरूर देख लेना, जो मैं पढ़ाता हूँ मैं गारंटी देता हूँ एक बार तुम पढ़ लोगे तो दीवाने हो जाओगे, और यही कहोगे मैथ तो रीजनिंग अरविंद सर से ही पढ़ना है, कंप्यूटर तो पढ़ते ही हो लेकिन एक बार मैथ तो रीजनिंग को जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैथ रीजनिंग का 25% पोर्शन कर दिया, 25% पोर्शन कर रखा है। अभी आईए में भी उनके सिलेक्शन होंगे जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, और बच्चों सीईटी में भी उनके सिलेक्शन ज्यादा होंगे जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है। क्लियर है, तो देख लेना एक बार। ठीक
ठीक है बच्चों, अब चलिए अपन बातें नहीं करें, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों? अच्छा क्या चल रहा था, तो उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे, उनको अपन खत्म करेंगे। क्लियर? उनको अपन खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए वो पॉइंट क्या क्या थे। तो मैंने आपको कहा था कि डेडलॉक होने के क्या चार कारण है, और वो चार कारण कौन कौन से हैं। तो डेडलॉक होने के जो चार कारण है उनको आप अच्छी तरीके से समझना बच्चों। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है रिसोर्सेज की शेयरिंग नहीं होगी। अगर रिसोर्सेज की शेयरिंग होगी तो डेडलॉक कभी होगा ही नहीं। रिसोर्सेज की शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। नो प्रीमिशन का क्या मतलब है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है, तो जब तक वो खुद एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक वो खुद एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक उस रिसोर्सेज को फ्री नहीं करेगा। ये क्या कहलाता है? नो प्रीमिशन। होल्ड एंड वेट क्या होता है? तो होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि डेडलॉक जब भी बनेगा, जब कुछ होल्ड करके और उनका वेट कर रहे हो जो दूसरों ने होल्ड कर रखा है, तभी डेडलॉक बनेगा। ऐसे डेडलॉक नहीं बनता केवल मैंने होल्ड कर रखा, वेट किसी का कर ही नहीं रहा, तो डेडलॉक बनेगा ही नहीं। वेट करूंगा तो डेडलॉक बनेगा। और अगर मैं वेट ही वेट कर रहा हूँ, होल्ड कर ही नहीं रखा, तो मेरे लिए छोड़ने को क्या है? मेरे लिए छोड़ने को कुछ नहीं, तो भी मैं डेडलॉक नहीं बना सकता। और एक होता है बच्चों सर्कुलर वेटिंग। तो इसका मतलब प्रत्येक प्रोसेस किसी न किसी रिसोर्सेज की क्या कर रहा है? वेटिंग कर रहा है, जो दूसरों ने होल्ड कर रखा है। तो बच्चों अगर ऐसा होगा तभी डेडलॉक बनेगा। तो डेडलॉक तब बनता है जब ये चार कंडीशन लगे। अब फिर क्वेश्चन ये उठा कि डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो आरएजी ग्राफ से करते हैं। ये भी आपके क्लियर हो गया होगा, रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ। मैथ में तो केवल डीआई ही आएगी क्या सर? अरे डीआई आएगी, लेकिन डीआई भी तो तब होगी जब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ही आएंगे। क्लियर? देखो करवा मैंने सब रखा है, अब क्या आए क्या नहीं आए, उन्होंने मैथ लिख रखा है, मैथ लिख रखा है। तो डीआई तो आपको करना ही है क्योंकि डीआई तो आता ही है, लेकिन और भी देख लो प्रॉफिट लॉस। सुनील जी आपको ये पता नहीं चल रहा क्या आएगा? पेपर नहीं देखते आप सब कुछ मेरे से ही क्लियर करना चाहते हो। ये कैसी विडंबना है सृष्टि की। इस सृष्टि बनाने वाले से कुछ पूछा नहीं जाए और एक इंसान से पूछा जाता है रोज रोज कि बताओ ये आएगा क्या। अरे तुम किस लिए धरती पे आए हो? तुमको भी तो कुछ पता होना चाहिए। क्या तुम्हारी आंखें पेपर को नहीं देखना चाहती? क्या तुम्हारी आंखें सिलेबस को नहीं देखना चाहती? क्या तुम्हारी आंखें ओल्ड पेपर को नहीं देखना चाहती? क्या सब कुछ मेरी आंखों से देखना चाहते हो? तो कुछ नहीं हो सकता फिर, कुछ भी नहीं हो सकता फिर, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या तुम इतने ना समझो कि आपको पेपर देख के ये पता नहीं चले कि कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन आया है? क्या तुम इतने ना समझो कि तुमको खबर ही नहीं लगती कि कहाँ से सर्च करें? तो भाई गूगल किस लिए बनाए? गूगल में डालो ना सब कुछ आ जाएगा। कैसी बातें हैं, समझ से बाहर है। जब भी पढ़ाता हूँ एक ही क्वेश्चन लेके आते हो कि सर ये आएगा या नहीं आएगा। आप इतने ना समझ कैसे हो? और वाकई अगर ना समझ हो तो आप इन लोगों से सर्वाइव कैसे करोगे? जो इतने इंटेलिजेंट लोग भरे पड़े हैं सृष्टि में, उनसे आप टक्कर कैसे लोगे? तो समझने की कोशिश करो, अपने आप को भी वैसा ही बनाओ जैसे और लोग हैं। अब मैं रोज रोज क्या समझाऊं आपको, टॉपिक पे आ जाइए, भाषण देने की मेरी आदत नहीं है। क्लियर? तो बच्चों फिर मैंने क्या कहा, अच्छा ये टॉपिक तो मैं स्टार्ट करूंगा और बच्चों लगभग लगभग आज इंटरनल कमांड तक आपको समझा दूंगा, कल फिर एक्सटर्नल कमांड के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी अपने टॉपिक पे आइए। तो बच्चों फिर डिटेक्ट कैसे करें? अगर डेडलॉक हो गया तो डिटेक्ट कैसे करें? तो आरएजी ग्राफ से अपन ये पता कर सकते हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ से पता कर सकते हैं कि डेडलॉक हो गया क्या। ठीक है? अच्छा बच्चों इसके अलावा मैं आपको और बात बता देता हूँ। जो आरएजी ग्राफ होते हैं वो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं? रिसोर्स शेड्यूलर के अंदर होते हैं। रिसोर्स शेड्यूलर वो प्रोग्राम होते हैं जो प्रोसेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, और रिसोर्स शेड्यूलर ये चेक करेगा कि कहीं डेडलॉक तो नहीं बन रहा है। बच्चों क्लियर? ये सारे पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि रिसोर्सेज एक बार बताइए, चलो डेडलॉक की तक तो समझ में आ गया, डेडलॉक होने के कारण भी समझ में आ गया, डेडलॉक को डिटेक्ट करने वाले ग्राफ भी समझ में आ गए। अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि डेडलॉक को हैंडल कैसे करें? तो डेडलॉक को हैंडल करने के कितने तरीके बताए? चार। तो कोरोना को हैंडल कैसे करें? तो एक तो ये है कि कोरोना हो रहा है तो हो जाने दो, तो इग्नोर कर दो, कोरोना हो गया कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर दो, हो गया ठीक है, जाना है बचना है मरना है कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। एक ही है आप प्रिवेंटेशन करो, प्रिवेंटेशन मास्क लगाओ बच्चों, जो भी है आपने जो भी बचाव कार्य करना है वो करो। और एक तरीका है क्या, अवॉइड करो कि कोरोना हो ही नहीं, इस तरीके की कुछ पैकिंग करो बच्चों। क्लियर? और एक ही है कोरोना हो जाए तो बच्चों उसको रिकवर करो। तो ये चार कंसेप्ट होते हैं किसी भी डेडलॉक को हैंडल करने के। कल का वीडियो देखोगे तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब ये है कि छोटे सिस्टम के अंदर
जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा मोटा है और छोटे मोटे काम करता है, वहां पर अपन डेड लॉक को इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर कब किया जाता है? जब डेड लॉक हो जाए। तो अपन मान लीजिए आपके कंप्यूटर में डेड लॉक हो गया और आपका कंप्यूटर हैंग हो गया या होल्ट हो गया, तो आप क्या करते हो? जाके स्विच ऑफ कर देते हो। यही क्या है? डेड लॉक इग्नोरेंस है, और इसी को ऑस्ट्रिच मेथड कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑस्ट्रिच मेथड किससे रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रिच का मतलब होता है बच्चों एक शत्रुमुर्ग, जो बच्चों आप मरुस्थल में रहता है और जब मरुस्थली तूफान चलते हैं तो बच्चों वो ये सोचता है कि अगर मैं देखूंगा ही नहीं तो ये मेरे को क्या नुकसान पहुंचाएगा, तो अपनी गर्दन रेत के अंदर डाल देता है। तो बच्चों अपन भी डेड लॉक को इग्नोर कर देते हैं, इसको बोलते हैं डेड लॉक इग्नोरेंस। ये कब होता है? जब डेड लॉक हो जाता है उसके बाद ये होता है। यहां तक क्लियर? अब फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं डेड लॉक इग्नोरेंस के बाद, डेड लॉक प्रिवेंटेशन। अब डेड लॉक प्रिवेंटेशन क्या होता है? जो कारण है डेड लॉक होने के, उनमें से कम एक कारण ऐसा कर दो ताकि डेड लॉक नहीं बने। अब बच्चों एक चीज बताइए, डेड लॉक होने के कितने कारण है? चार। और चारों होंगे तभी डेड लॉक होगा, उनमें से एक भी ब्रेक हो गया तो डेड लॉक नहीं होगा। तो डेड लॉक को प्रिवेंट करो, मतलब उन चार कारणों में से चारों कारणों की एल्गोरिथम इस तरीके से आपको सेट करनी है, ऐसी बनानी है एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ताकि ताकि डेड लॉक हो ही नहीं। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या क्या शर्तें दी गई? जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जगह म्यूचुअल इंक्लूजन कर दो। कहने का मतलब अगर रिसोर्सेज फ्री है तो रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या ये हमेशा रिसोर्सेज शेयरिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में बहुत कम रिसोर्सेज ऐसे हैं जो शेयर किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अब मान लीजिए अगर मैं मेरी बात करूँ तो बच्चों खाना शेयर किया जा सकता है, बच्चों कोका कोला थम्सअप ये शेयर किया जा सकता है, लेकिन कोई कहे ब्रेन शेयर कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के अंदर शेयरेबल है, और कुछ है जो शेयरेबल नहीं है। जैसे सीपीयू है वो शेयरेबल है, मेमोरी है वो शेयरेबल है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी प्रिंटर स्कैनर, तो बच्चों ये एक प्रोसेस के लिए काम करते हैं, तब दूसरे प्रोसेस के लिए कभी काम नहीं करते, क्योंकि प्रिंटर स्कैनर ये शेयरेबल नहीं है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब म्यूचुअल इंक्लूजन से 100% ये नहीं कह सकता कि मैं डेड लॉक को प्रिवेंट कर दूंगा, लेकिन हाँ 99% अगर आप रिसोर्सेज शेयर करते हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हटाते हो या म्यूचुअल इंक्लूजन को लाते हो, तो डेड लॉक प्रिवेंट हो जाएगा। फिर मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट बताया था। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया था? सुनना, दूसरा कंसेप्ट मैंने ये बताया था, सर प्रिंटर नॉन शेयरेबल है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है सुनील जी, बिल्कुल सही है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगर अपन दूसरे पॉइंट को उठाते हैं तो दूसरा कारण क्या था डेड लॉक होने का? तो नो प्रिमिशन। नो प्रिमिशन का मतलब ये है, अगर किसी ने रिसोर्सेज पकड़ रखा है तो रिसोर्सेज को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खुद एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, नो प्रिमिशन की जगह प्रिमिशन अगर कंडीशन दे दे तो अपना डेड लॉक प्रिवेंट हो जाएगा। प्रिमिशन नो प्रिमिशन का उल्टा है। प्रिमिशन का मतलब डेड लॉक को प्रिवेंट करना है। और बच्चों इसमें क्या होगा कि जिसने रिसोर्सेज पकड़ रखा है उसको बोल दो उस प्रोसेस को कि बाबू तेरा काम नहीं हो रहा, तो तू दूसरों को अपने प्रोसेस रिसोर्सेज दे दे, तो इसको बोलते हैं प्रिमिशन। क्लियर बच्चों? फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन यहीं से आते, याद रखना कि प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथडोलॉजी आपको यूज करनी। फिर बच्चों होल्ड एंड वेट था। तीसरा पॉइंट क्या था? होल्ड एंड वेट। समझना, जो जो मैंने पढ़ाया पूरे 1 घंटे में उसको 10 मिनट में मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, और फिर अपने इस टॉपिक पे आएंगे। अपन पूरा टाइम डेड लॉक में नहीं बिगाड़ कर MS-DOS में कमांड, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में जानेंगे। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट था होल्ड एंड वेट, कि होल्ड करके आप क्या करो, वेट करो। तो लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए अगर आपको डेड लॉक नहीं लाना सिस्टम के अंदर, या फिर ये बोलिए प्रिवेंट कब करते हैं डेड लॉक आने से पहले, तो डेड लॉक नहीं लाना चाहते तो प्रोसेस को इस तरीके से भेजिए कि उनको वेट करने की जरूरत नहीं पड़े, जिसको जितने प्रोसेस की जरूरत है उतना तुरंत दे दिया जाए। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। होल्ड एंड वेट की जगह डायरेक्ट होल्ड करवा दीजिए, जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो उनको उपलब्ध करा दीजिए ताकि उनको वेट नहीं करना पड़े। तो जब वेट नहीं करना पड़ेगा तो सिस्टम में कभी डेड लॉक नहीं आएगा। होल्ड एंड वेट की जगह रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दो। इसके बाद है सर्कुलर वेटिंग। तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला गया कि अगर आपको डेड लॉक को प्रिवेंट करना है और सर्कुलर वेटिंग हो रही है, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाया जाए। क्या अपनाया जाए? ये अपनाया जाए कि जो प्रोसेस आईडी है उससे बड़ा रिसोर्सेज की आईडी होनी चाहिए। तो जब प्रोसेस की आईडी, तो प्रोसेस P0 को R1 मिलेगा, P1 को R2, P3 को R4, तो इस तरीके से चलेगा। तो कभी भी क्या नहीं होगा, साइकिल नहीं बनेगी। और बच्चों
सर्कुलर वेटिंग नहीं होगी, यहां तक भी आपके क्लियर हो गया होगा। तो कॉमन सी बात है, ये चार कारण है जिससे डेड लॉक को अपन होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों 99% केस में तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन 1% केस ऐसा होगा जहां पर वो चारों कंडीशन डेड लॉक की बन जाए और आपके प्रिवेंट एल्गोरिथम काम नहीं करे तो डेड लॉक हो जाएगा। तो बच्चों फिर इसके बाद आया डेड लॉक अवॉइडेंस। अच्छा प्रिवेंट कर लिया, अब डेड लॉक को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो बच्चों अब आई बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कहती है तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, समझने की कोशिश करना। बैंकर्स एल्गोरिथम ये कहती है कि ठीक है यार, प्रिवेंट में आप 100% काम नहीं कर सकते, प्रिवेंट में आप चार चार एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा आपको, प्रिवेंट 99% ही कारगर है। अगर मान लो किसी ने किसी तरीके से प्रिवेंट है वो टाइम वेस्ट कर रही है, बच्चों यूटिलाइजेशन को कम कर रही है, तो अपन ने क्या किया, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज किए। डेड लॉक अवॉइड, अवॉइड करो, प्रिवेंट नहीं, बचाओ मत करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, यानी डेड लॉक आए ही नहीं, सिस्टम को फुल प्रूफ बना दो ताकि डेड लॉक आए ही नहीं। अब बच्चों डेड लॉक नहीं आए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, तुमको तो केवल नाम याद रखना है, डेड लॉक अवॉइड के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करना। अब बच्चों डेड लॉक अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करना है। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कहता है, बैंकर्स एल्गोरिथम ये कहता है कि जब भी प्रोसेस आए तो बच्चों सबसे पहले ये चेक करो कि पर्याप्त रिसोर्सेज प्रोसेस के लिए, किसी एक प्रोसेस के लिए एनएफ है या नहीं है। अगर मान लीजिए एनएफ है तो पहले उसको प्रोसेस दे दो, फिर वहां से जो फ्री हुई है वो और जुड़ जाएंगे पर्याप्त रिसोर्सेज के साथ और इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग चलेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि बैंकर्स एल्गोरिथम से सेफ और नॉन सेफ स्टेज निकाल लो। सेफ और नॉन सेफ स्टेज अगर निकल गई, सेफ और नॉन सेफ स्टेज अगर निकल गई तो फिर सेफ स्टेज के थ्रू प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कराओ, यही बैंकर्स एल्गोरिथम है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर, हमारे समझ में आ गया कि बैंकर्स एल्गोरिथम सेफ स्टेज निकालने की एक प्रोसेसिंग है। अब सेफ स्टेज अगर आपने निकाले तो उसके हिसाब से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराओ, यानी प्रोसेस जैसे ही आए अपने पास तो बैंकर्स एल्गोरिथम पहले ही कैलकुलेशन कर लेती है कि मान लीजिए 5 प्रोसेस आए तो उन 5 प्रोसेस को इस तरीके से चलाइए, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन 5 प्रोसेस को उसी तरीके से चलाएगा जैसे उनके पास रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। तो बच्चों ये होती है बैंकर्स एल्गोरिथम, और 99.99% ये है कि डेड लॉक अवॉइड हो चुका है, लगभग लगभग डेड लॉक खत्म हो चुका है, डेड लॉक जा चुका है सिस्टम में से। लेकिन फिर भी बच्चों कभी कभी डेड लॉक आ जाता है। बैंकर्स एल्गोरिथम के मैं एक एग्जांपल दूंगा, रिसोर्सेज फ्री करवाने का सबसे सबसे काम रिसोर्सेज जिसका चाहिए उसको देना, ठीक है बच्चों, बैंकर्स एल्गोरिथम ये है। लेकिन बैंकर्स एल्गोरिथम पहले ही चेक हो जाती है जब रिसोर्सेज पहुंचते हैं ना बच्चों, तो याद रखना मान लो 5 प्रोसेस आ गए तो 5 प्रोसेस के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई हमारे पास इतने तो है और हमको इतनी रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों वहीं से देख के गणना करके वो कह देगा कि इनको सिस्टम में आना चाहिए या फिर इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। क्लियर, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बैंकर्स एल्गोरिथम तो डेड लॉक अवॉइडेंस होता है एंड ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम से डेड लॉक इग्नोरेंस होता है। वेरी गुड सुनील जी, बिल्कुल सही है। और यही क्वेश्चन आते हैं आईए में डायरेक्ट कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या यूज करता है और ऑस्ट्रिच मेथड क्या यूज करता है। तो ऑस्ट्रिच तो इग्नोर करता है और बैंकर्स अवॉइड करता है, बस इतना याद कर लो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला तुम्हारे लेवल पे। नेक्स्ट चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मान लो फिर भी डेड लॉक आ जाए तो डेड लॉक आ जाए तो अपन डेड लॉक को डिटेक्ट करेंगे और उसको रिकवर करेंगे। क्लियर बच्चों, तो ये चार कंडीशन होती है, या तो इग्नोर करो या प्रिवेंट करो या डेड लॉक को क्या करो, अवॉइड करो, और अगर फिर भी आ जाए तो उसको देखो कि डेड लॉक कहाँ है और फिर उसको रिकवर करो। बच्चों जो फेसबुक है या व्हाट्सएप है ये सारे कंडीशन को यूज करती है, लेकिन डेड लॉक इग्नोरेंस को यूज नहीं करती, प्रिवेंट को यूज करती है, अवॉइड को भी यूज करती है, लेकिन अगर डेड लॉक आ जाए तो उसको डिटेक्ट भी करती है और रिकवर भी करती है, ऐसे नहीं कि रिबूट कर देती है। याद रखिए रिबूटिंग का कंसेप्ट केवल पर्सनल कंप्यूटर तक सीमित है या छोटे छोटे नेटवर्क तक सीमित है या छोटे छोटे कंप्यूटर सिस्टम तक सीमित है। क्या ये क्लियर है सबके? अब चलिए अपन एक बैंकर्स एल्गोरिथम का एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। फिर अपन एमए डोस के ऊपर चलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बैंकर्स एल्गोरिथम का गुरु जी एक एग्जाम्पल दे दो तो प्रोसेस है P0 P1 P2 और ये क्या है मान लो P3, और बच्चों यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर लिख दिया मैंने होल्ड रिसोर्सेज
होल्ड रिसोर्स से लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया, होल्ड रिसोर्स से 7, यहाँ पर लिख दिया 5, 7 यहाँ पर 5, चलिए थोड़ा सा और अच्छा कर देते इसको, इसको लिख दिया मैंने 2, इसको लिख दिया 2, इसको 3, इसको 4, इसको 1 लिख दिया। और बच्चों वेटिंग, वेटिंग रिसोर्सेज, वेटिंग रिसोर्सेज, तो वेटिंग रिसोर्सेज बच्चों ये वेट कर रहा है, मान लीजिए 4 का, ये 2 का, ये 5 का और ये 1 का, क्लियर बच्चों। तो चलिए और यहाँ पर रिसोर्सेज कितने हैं, तो टोटल रिसोर्सेज है 11। अब मान लीजिए सब आगे और इन्होंने इतने इतने आके होल्ड कर लिए बच्चों, इन्होंने इतने इतने आके होल्ड कर लिए और एग्जीक्यूट होने के लिए इतने की वेटिंग चाहिए। अब बच्चों आप ये बताना है कि बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपके न तो ये आने वाले हैं और ना कुछ और होने वाला है, लेकिन सेफ स्टेज आपको निकालना है, बैंकर्स एल्गोरिथम आपकी सेफ स्टेज निकालेगा। तो बच्चों एक बार बताइए, टोटल रिसोर्सेज 11 थे, होल्ड किए हुए हैं 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 होल्ड किए हुए हैं, 10 होल्ड किए हुए हैं, तो बचा कितना, तो बचा कितना, केवल 1 बचा, कितना, 1। अब बच्चों जिसको 1 चाहिए तो इसी को चाहिए, तो बच्चों P3 को कितना चाहिए, केवल 1 चाहिए, कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो बच्चों 1 तो बचा है, 1 तो बचा है, और बच्चों को जो बचा है वो किसको दे दो, आप P3 को दे दो बच्चों, क्लियर, क्यों, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए केवल 1 की वेटिंग करनी है, 1 ही चाहिए, बाकी इसके पास 1 है, तो बच्चों 1 दे देंगे तो P3 एग्जीक्यूट हो गया, ये सेफ स्टेज है P3, P3 से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इनको अगर 1 दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट होने के लिए इनको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो P3 को पहले दे दो। अब P3 को जैसे ही पहले दिया तो बच्चों जो इसने रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा था, एग्जीक्यूट होते ही ये उसको छोड़ देगा, तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी खोपड़ी एक्टिव हो जाए। अब बच्चों जैसे ही 2 हुआ, अब 2 से इसका काम नहीं चलेगा, इसका भी नहीं चलेगा, तो 2 से P1 का काम चल जाएगा, तो क्यों, क्योंकि 2 को P1 को 2 देते ही बच्चों ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो P1 को कितना दे दीजिए, 2 बच्चों, क्लियर। अब 2 दिया तो बच्चों ये एग्जीक्यूट हो गया, और इसने जो होल्ड कर रखा था 3 उनको फ्री कर दिया, जो फ्री कर दिया, अब बच्चों 3 और फ्री हो गए, 3 और 2 कितना हो गया, 5 बच्चों, क्लियर। अब शेष कितने हैं बच्चों, 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैंकर्स एल्गोरिथम इनके पहुंचते ही सबसे पहले सेफ स्टेज निकाल लेता है, उनके बाद इनको सिस्टम में घुसाता है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस को घुसा देगा, पहले चेक करेगा उसके बाद घुसाएगा, पहले चेक करेगा उसके बाद घुसाएगा बच्चों, क्लियर। अब एक बार बताइए 5 शेष है, अब 5 शेष है तो बच्चों या तो इसको दे दो या इसको दे दो, तो यहाँ से दोनों ब्रांच चल सकती है, ये भी चल सकती है, ये भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर मैं P0 को एग्जीक्यूट करूं या फिर P2 को करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और P0 को करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके की सेफ स्टेज हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो मैं इसको दे देता हूँ 4, 4 ही दूंगा, तो 4 दूंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। अब P0 अगर हो गया तो 2 यहाँ से और आएगा, तो 5 और 2 7 बच्चों, इसके पास 7 हो जाएंगे बच्चों, क्लियर, ध्यान तक समझ में आ गया होगा। अब 7 इसको तो 5 ही चाहिए, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये P0 के बाद ये क्या हो जाएगा, P2, ठीक है। और अगर कोई ये कहे कि सर 5 के 5 इसको दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब P2 के कितने, 4 है, तो 5, 4, 9, तो 9 में भी ये काम हो जाएगा। तो ये 2 सेफ स्टेज है मेरे हिसाब से, अंत तक क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। ये एल्गोरिथम थी बैंकर्स एल्गोरिथम, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताइए, क्लियर है बच्चों, हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बोलिए। बाकी अगर आप बड़ा क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं एक क्वेश्चन बड़ा भी करवा देता हूँ, लेकिन बहुत आसान है बैंकर्स एल्गोरिथम, कि भाई पहले से ही आप ये तय कर लो, पहले से ही ये तय कर लो कि भाई किसको कितने रिसोर्सेज दो, उसके हिसाब से सेफ स्टेज निकालो। पहले सेफ स्टेज बनती है, पहले सेफ स्टेट बनती है, और सेफ स्टेट के हिसाब से फिर ये चारों एग्जीक्यूट होंगे, तो कभी डेड लॉक नहीं बनता बच्चों, क्लियर। तो सेफ और अनसेफ स्टेट निकालने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम किस लिए काम में लिया जाता है, बैंकर्स एल्गोरिथम डेड लॉक को अवॉइड करने के काम में लिया जाता है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्या और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, यह समझ में आ गया। और बच्चों जो फोर्थ पॉइंट है डेड लॉक हैंडल करने का, वो मैंने आपको समझाई दिया, डेड लॉक को डिटेक्ट करो और रिकवर कर लो, क्लियर, क्लियर है बच्चों। बाकी एक क्वेश्चन मैंने और समझा रखा है, पुराने पेपर में देख लेना, जो 13 नंबर का वीडियो है उसके अंदर मैंने करवा रखा है। अब बच्चों इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, हाँ हो सकता है कि रिसोर्सेज की संख्या, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हो, R1, R2, R3, या मैंने एक ही तरीके का लिया,
कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ा, अपन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। आ गया सर, आगे बढ़ो। ठीक है चलिए बच्चों, तो ये खत्म बच्चों डेड लॉक, और आज का अपना टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है डोस। तो डोस के अंदर कमांड याद रखना, डोस के ऊपर कमांड के ऊपर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, डोस क्या होता है। लेकिन डोस के ऊपर पिछली बार आईए में एक क्वेश्चन आया था, एक कमांड आई थी शायद आज, ये थोड़ा सा क्लियरिटी में दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जूम टाइप लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब बच्चों देखिए होगा क्या, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। डोस कमांड में से हर बार एक क्वेश्चन आता है कि बताइए डीआर कमांड, एमडी कमांड, तो इस तरीके से बहुत सारी कमांड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो उनको किस तरीके से अपन यूज लेते हैं, क्या काम आती है, इतना ही आपको समझना। अब देखो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, डोस का जमाना नहीं है, और बच्चों डोस का जमाना नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से फिर भी आती है, तो आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना क्योंकि पुराना सिस्टम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं स्टार लगाऊंगा, केवल उतना ही आपको पढ़ना है। करें स्टार्ट। तो डोस क्या है, डोस के एक सिंगल यूजर यूनिक प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ केवल एक ही यूजर काम कर सकता है और एक साथ केवल एक ही प्रोग्राम चल सकता है। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। डोस की अगर मैं बात करूं तो जो डोस है उसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों क्लियर, डोस के दो प्रारूप आए, एक पीसी डोस और एक एमए डोस। पीसी डोस पहले आया था जो कि आईबीएम ने डेवलप किया था, उसके बाद एमए डोस आया जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट शायद 1982 में आया था, उससे पहले पीसी डोस 1981 के अंदर आया था, 1981 के अंदर आया था। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करेक्टर यूजर इंटरफेस को यूज करता है, इसके अंदर माउस नहीं चलता है, इसके अंदर ग्राफिक्स और आइकन नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर केवल अब प्रॉम्प्ट होता है जिसके अंदर अपन को कमांड लिखनी पड़ती है। बच्चों क्लियर, तो याद रखना जहाँ रन होता है ना, विंडो में रन होता है, तो विंडो में इसको रन कहते हैं, तो इसी तरीके से इसको डोस में प्रॉम्प्ट कहते हैं, और इसके अलावा यूनिक्स में उसको सेल कहते हैं। क्लियर बच्चों, वहां पर आपको कमांड लिखनी पड़ती है, और बच्चों जो इंटेलिजेंट बंदा है जो इनको यूज कर सकता है वो ही डोस को यूज करेगा। डोस की साइज बहुत कम होती है, लगभग लगभग ये मान के चलिए एक डिस्क के अंदर ये आ जाता है ऑन डोस। तो डोस क्या होता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने की वजह से जल्दी बूट हो जाता है, ये भी आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ये डोस का फायदा है कि ये लाइट वेट होता है और ये वर्सेटाइल नहीं होता, ये बहुत कम कार्य करने के ही काम में आता है, कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के ही काम में आता है। विंडो की तरह वर्सेटाइल नहीं है कि हर तरीके का काम कर दे, ये मल्टीटास्क भी नहीं है कि दुनिया भर की टास्क को एक साथ चला दे। तो बच्चों इसमें ओवरहेड नहीं होते, इसकी जो साइज वो बड़ी नहीं होती, इसकी साइज काफी छोटी होती है। कहने का मतलब जो डोस है वो लगभग लगभग 2 GB तक की फाइलों को ही सपोर्ट कर पाता है। दूसरा बच्चों 600 MB तक की रैम के अंदर ही ये वर्क कर पाता है, उससे बड़ी रैम में डोस वर्क नहीं करता। ये काफी पुराना सिस्टम है, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो डोस की जो बातें थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। बच्चों क्लियर, ये करेक्टर यूजर इंटरफेस है जो काफी टफ होता है बच्चों, इसकी बजाय अब कौन से सिस्टम आगे GUI। तो अपन डोस की बातें कर लेते हैं और डोस की कमांड के बारे में देख लेते हैं। कुछ लाइनें रह गई हो तो मैं पढ़ पढ़ के जब आपको बताऊंगा तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ सर ये लाइनें आपने छोड़ दी थी लेकिन अब हमारे समझ में आ गया। एक बार कमेंट कर दो कि डोस के बारे में मैंने जो बातें बताई क्या वो आपके क्लियर है क्या, और जहां मैं डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाऊं उनको एक बार जरूर आपके दिमाग में सेट कर लेना क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर बच्चों? हाँ जी, कमेंट चाहिए, कमेंट चाहिए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या ये क्लियर है क्या। डोस के बारे में जो भी बताया समझ आ गया है, ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट और इन लाइनों को पढ़ते हैं। देखो ये लाइनें इसलिए लाता हूँ क्योंकि हो सकता है आपके बुक नहीं हो सकता है आप प्रिंट भी नहीं करा रहे हो, लेकिन इन इनको देख के चले जाना। जो स्लाइड बनवा के ला रहा हूँ आजकल मैं,
इनको देख के चले जाइए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में फटाफट काम हो जाएगा, डेली पीडीएफ है आपके। तो देखिए डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इससे सर्वर नहीं बन सकता, इस पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है। ठीक है बच्चों, अब हार्ड डिस्क ड्राइव बोल दो या फ्लॉपी ड्राइव चलते थे पहले, उनके थ्रू ये चलता है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चलिए। ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, टेक्स्ट को करेक्टर भी कहते हैं या करेक्टर यूजर इंटरफेस है जिसको CUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कमांड लाइन का उपयोग किया जाता है, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड CD चेन डायरेक्टरी जैसे निर्देश देकर यूजर हार्ड ड्राइव पर फाइलों को ब्राउज कर सकता है। क्लियर है बच्चों, यूजर हार्ड ड्राइव पर फाइलों को ब्राउज कर सकता है बच्चों। क्लियर, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। कंप्यूटर में कोई भी काम होता है वो फाइलों के रूप में होता है, डेटा का संग्रह करेंगे तो भी फाइलों के रूप में होगा, और प्रोग्राम बनाओगे तो भी फाइलों के रूप में होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें भी फाइलों का ग्रुप ही है, कुछ डेटा को होल्ड करती है और कुछ आपके हार्डवेयर को चलाती है। तो बच्चों पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो फाइलों का ग्रुप ही है, सी का प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम भी तो फाइल ही है बच्चों। कुछ फाइल ऐसी होती है जो डेटा को होल्ड करती है और कुछ फाइल ऐसी होती है जो हार्डवेयर को चलाती है। कुल मिला के कंप्यूटर के अंदर कुछ भी होगा वो फाइलों के रूप में होगा, ऐसा नहीं कि बिना फाइलों के रूप में कुछ होगा, नहीं सब कुछ फाइलों के रूप में होगा। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी मैं फाइल आपको जब बताऊंगा तो आपके क्लियर आ जाना चाहिए। जब मैंने DBMS पढ़ाया था तो फाइल के बारे में काफी बताया था, फाइल में क्या होते हैं तो पूरी फाइल को एक टेबल कहते हैं और उस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं और जो एट्रीब्यूट होते हैं वही फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? फील्ड होते हैं बच्चों। क्लियर, ग्रुप ऑफ फील्ड को रिकॉर्ड कहते हैं या फिर टपल कहते हैं या फिर रो कहते हैं, और नंबर्स ऑफ रो को मिला दे तो आपकी टेबल बन जाती है और पूरी टेबल होती है वही फाइल होती है। तो कॉमन सी बात है, फाइल क्या है तो डेटा का कलेक्शन फाइल है। अच्छा फाइल क्या है तो सॉफ्टवेयर फाइल है बच्चों। क्लियर, फाइल कितने तरीके की? तो फाइल दो तरीके की होती है, एक डेटा फाइल और एक प्रोग्राम फाइल। जो डेटा को होल्ड करे वो डेटा फाइल, और जो प्रोग्राम के कंटेंट रखे या उन इंस्ट्रक्शन को रखे जो आपके हार्डवेयर को चलाते हैं तो फिर वो प्रोग्राम फाइल है। मेरे हिसाब से ये लाइन भी आपके क्लियर हो गई होगी कि फाइल दो तरीके की होती है, एक डेटा फाइल और एक होती है प्रोग्राम फाइल। पूरे कंप्यूटर में कुछ नहीं मिलेगा, आपको फाइल ही फाइल मिलेगी बच्चों। कोई भी फाइल, कोई एग्जीक्यूट फाइल, कोई ऑब्जेक्ट फाइल, कोई कॉम फाइल, कोई .NET फाइल, कोई कौन सी फाइल, कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो फाइल, तो फाइल ही फाइल होती है पूरे कंप्यूटर के अंदर। तो अगर ब्रॉड तरीके से बांटे तो कंप्यूटर में दो तरीके की फाइल होती है, एक डेटा फाइल और एक होती है प्रोग्राम फाइल। डेटा फाइल कलेक्शन ऑफ डेटा है, जबकि प्रोग्राम फाइल जो होती है वो हार्डवेयर को चलाने के प्रोग्राम लेकर चलती है, या फिर ये बोलिए आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के प्रोग्राम रखती है, उनको अपन प्रोग्राम फाइल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। अब फाइलें क्या होती है? तो फाइलें आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होती है, तो जब बूट किया जाता है तो वही फाइलें उठ उठ कर आपके प्राइमरी के अंदर आती है। तो बच्चों इसी की ये बात कर रहे हैं कि फाइल जो होती है, फाइल की जब मैं बात करूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई डेटा मंगवा रहा है बच्चों, डेटा मंगवा रहा है वही फाइल की बात हो रही है। फाइल वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोई डेटा की कॉलिंग की जा रही है हार्ड डिस्क से प्राइमरी के अंदर। क्लियर बच्चों, तो पढ़ लेते हैं अपन। PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और CD चेन डायरेक्टरी जैसे निर्देश देकर यूजर हार्ड ड्राइव पर फाइलों को ब्राउज कर सकता है। ठीक है, ये दो वर्जन में उपलब्ध है। कौन? डोस। पहला PC डोस जो IBM द्वारा विकसित किया था, फिर इसे फर्स्ट IBM कॉम्पेटिबल निर्माताओं को बेचा गया। खैर अपन को इतना याद नहीं रखना, PC डोस पहला डोस था, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ गया है। PC डोस किसने बनाया था? बहुत सारे बच्चे इसमें माइक्रोसॉफ्ट कर देते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, PC डोस IBM का प्रोडक्ट था बच्चों। क्लियर, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डोस MS-DOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था बच्चों। क्लियर, तो ये दो वर्जन में उपलब्ध है। पहला PC डोस जो IBM द्वारा विकसित किया गया था, फिर इसे फर्स्ट IBM कॉम्पेटिबल निर्माताओं को बेचा गया था। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों MS-DOS क्या है? MS-DOS क्या है? MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका दूसरा वर्जन बच्चों। पहला PC डोस आया था, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका अधिकार और पेटेंट माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और इसे विंडोज का पहला वर्जन के साथ जोड़ा गया। क्लियर बच्चों, ये बोला गया कि भाई हम तो विंडो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वाकई शुरू में विंडो नहीं थी, MS-DOS आया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डोस के बाद
डोज के कितने वर्जन लाए गए थे, तो डोज के दो वर्जन लाए गए। ऐसे तो दो वर्जन तो ये है ही, पीसी डोज और एमए डोज, लेकिन इस डोज के भी काफी वर्जन आए, तो एक बार देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, मैं केवल वही लेके आया हूँ। एक तो ये पढ़ लेना बच्चों, पीसी डोज कब आया, पीसी डोज यानी पीसी डोज 1.0, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला ऑफिशियल वर्जन है जो अगस्त 1981 में जारी किया गया। इसे IBM पीसी पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया, याद रख लेना बच्चों। पीसी डोस वर्जन ऑफ डोस, तो पीसी डोस IBM पीसी पे चलने वाला पहला कंप्यूटर था। फिर एमए डोस 1.25, ये OS का पहला वर्जन था जिसका नाम एमए डोस रखा गया। क्लियर बच्चों, ये दो पॉइंट आप याद रख लेना, एमए डोस 1982 में आया, पीसी डोस 1981 में आया। क्लियर, नेक्स्ट अभी PC80 एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलने वाला कौन सा आया, एमए डोस 3.0। खैर इतना आता नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इनमें से, तो आप इनको छोड़ सकते हो बच्चों, इन सबको छोड़ सकते हो। आप बस दो याद रखना, डोस के बड़े बोर्ड पीसी डोस कब आया सर, तो 1981 में आया, और जो एमए डोस है वो 1982 में आया। क्लियर बच्चों, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, पीसी डोस IBM कंप्यूटर के लिए आए और बच्चों एमए डोस माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा आपको याद नहीं रखना क्योंकि आपके कोई काम नहीं आने वाले। चलिए डोस की विशेषताएं, डोस के क्या क्या विशेषता है, तो ये कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ बच्चों। डोस की विशेषताओं पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसे कमांड के माध्यम से चलाया जाता है, इसमें माउस का उपयोग नहीं किया जाता, जो मैंने बोला वही विशेषता है। ये 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद रख लेना, एमए डोस 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डोस है वो 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब एक साथ 16-16 बिट अंदर जाएगी। 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे एमए डोस चलता है, 8686 माइक्रो प्रोसेसर पे एमए डोस चलता है, याद रखिए एमए डोस 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर है। एमए डोस 16-बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये जब वर्ड बनाता है, किसी डेटा को भेजता है, तो 16-16 बिट ट्रांसफर कर सकता है, या फिर ये बोलिए कि 16-बिट के माइक्रो प्रोसेसर को ये हैंडल कर सकता है। तो बच्चों 16-बिट का माइक्रो प्रोसेसर 8086 है, तो उस समय 8086 के ऊपर एमए डोस ज्यादा फेमस हुआ। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए डोस फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, याद रखना शुरू में नहीं था फ्री में, लेकिन अब ये फ्री में उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि डोस का मार्केट जा चुका है। इसमें अधिकतम स्पेस 2 GB का होता है। क्लियर है बच्चों, याद रखना इसमें अधिकतम स्पेस कितने जीबी का होता है, 2 GB। इसको संचालित करने के लिए टेक्स्ट और कोड की आवश्यकता पड़ती है, सबको पता है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट ये ग्राफिकल इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता, ये GUI को सपोर्ट नहीं करता। इसकी मदद से आप फाइल और फोल्डर बना सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, और भी कार्य कर सकते हैं। क्लियर, कमांड लिखनी पड़ेगी, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें किसी भी लाइन में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ये वही लाइन है जो मैंने शुरू किया 8-10 मिनट में बोली, इनमें आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमए डोस 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर वर्क करता था, इफिशियंटली वर्क करता था। क्लियर, कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए मैं स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके सेट हो चुके दिमाग में। एडवांटेज क्या है, तो डोस बहुत हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि बहुत छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्लॉपी में आ जाता था, इसके उपयोग से अधिकांश हार्डवेयर तक सीधे पहुंचा जा सकता है। बच्चों इतना छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि फटाफट बूट हो जाता है, फटाफट बूट हो जाता है बच्चों। क्लियर, बहुत फास्ट वर्क करवा देता है, समझ में आ गया होगा आपके। तो डोस बहुत हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके उपयोग से अधिकांश हार्डवेयर तक सीधे पहुंचा जा सकता है। इसके छोटे आकार के कारण यह किसी भी विंडो वर्जन की तुलना में बहुत तेजी से बूट होगा, एक छोटे सिस्टम में चलेगा। ठीक है, बड़े सिस्टम के लिए डोस नहीं है, याद रखिए। दूसरा, इसकी जो कोडिंग है उसमें ओवरहेड इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टीटास्किंग नहीं करता। मल्टीटास्किंग करोगे तो टाइम शेयरिंग के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको लिखने पड़ेंगे, इसमें टाइम शेयरिंग के कोई प्रोग्राम लिखने की जरूरत ही नहीं। इसके हल्के होने के कारण इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड नहीं होता। ओवरहेड का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टाइमिंग सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं या टाइम को बांटने के सॉफ्टवेयर, इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, तो ओवरहेड से बच जाओगे और इसकी जो साइज है वो छोटी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ नहीं, डिसएडवांटेज ऑफ डोस, इसमें एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है, इसमें डोस में ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये 16-बिट और 640 MB रैम तक सीमित है, या 32-बिट इसमें काम कर सकता है, तो 32-बिट CPU के ऊपर ये काम नहीं करेगा और 640 MB से बड़ी रैम के ऊपर भी ये काम नहीं करेगा। ये दोनों चीज समझ लेना,
इनसे छोटी रैम चाहिए और 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चाहिए। अगर 32 बिट के जो आज के माइक्रो प्रोसेसर है उन पे ये काम कर ही नहीं पाता है, और इससे बड़ी रैम के ऊपर भी ये काम नहीं कर पाता है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्या ये पूरा क्लियर है? तो 16 बिट का स्पेशली ध्यान रखना, रैम के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि 16 बिट के साइज के माइक्रो प्रोसेसर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन 32 बिट 64 बिट उन माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल घटिया होती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए अब डॉस की कमांड के ऊपर अपन आ जाते हैं। तो डॉस की कौन कौन सी कमांड है? तो बच्चों कमांड के ऊपर से ही हर बार क्वेश्चन आया है, किसके अंदर आई है, के अंदर यूपीएलटी के अंदर एक या एक एक दो कमांड जरूर आती है, तो इनको अपन देख लेते हैं। एमए डॉस में कमांड दो तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अभी कमांड क्या होती है? कमांड किस में लिखी जाती है? प्रॉम्प्ट में लिखी जाती है, प्रॉम्प्ट में लिखी जाती है डॉस के अंदर। और अगर वो ये पूछे यूनिक्स के अंदर कमांड किस में लिखी जाती है, तो सेल के अंदर। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, अच्छा यूनिक्स की कमांड आपके नहीं आएगी, आपके अधिकतर डॉस की कमांड आती है, लेकिन कुछ में यूनिक्स की कमांड भी आपको लिखवा दूंगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एमए डॉस में किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड देना होता है, क्योंकि ये एक कमांड ड्राइवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमए डॉस की ये कमांड प्रॉम्प्ट में दी जाती है। बच्चों क्लियर? इसका जो फॉर्मेट है वो आप सबको पता है क्या होती है। तो बच्चों जो इसका फॉर्मेट होता है उसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर आ जाओ। कमांड कहाँ पर गया? वो एमए डॉस की ये कमांड कहाँ पर? कमांड प्रॉम्प्ट में लिखी जाती है। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों यहाँ पर आइए। दो तरीके की कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड और एक एक्सटर्नल कमांड। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। अब इंटरनल कमांड कौन सी होती है और एक्सटर्नल कौन सी होती है? तो अगर मैं बात करूं डॉस के अंदर ही एक डॉट कॉम फाइल होती है, उस फाइल के अंदर जो कमांड लिखी होती है वो इंटरनल कमांड होती है। और कुछ कमांड ऐसी होती है जो हार्ड डिस्क के अंदर फाइलों के रूप में रहती है, और जब जरूरत हो उनको लाया जाता है किसके अंदर? रैम के अंदर। तो उन कमांड को अपन एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट हो जाता है, तो बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहता है। अब अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहता है तो उसकी सारी की सारी इंटरनल कमांड भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही डॉट कॉम नाम की क्या होती है? फाइल होती है, जिसके अंदर जितने भी इंटरनल कमांड है उनकी कोडिंग लिखी हुई होती है। तो इंटरनल कमांड वो कमांड होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फाइल होती है डॉट कॉम, उसके अंदर डिफाइन होती है, और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। और इंटरनल कमांड भी जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहेगा तब तक आपकी इंटरनल कमांड भी रहेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल जो डॉट कॉम फाइल है, याद रखिए कॉम फाइल जिसको बोलते हैं COM, कॉम फाइल के अंदर ये इंटरनल कमांड लिखी हुई होती है। क्लियर बच्चों? लेकिन एक्सटर्नल कमांड की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल कमांड जो होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइमरी मेमोरी के अंदर मंगवाई जाती है। तो एक्सटर्नल कमांड कहाँ होती है? तो एक्सटर्नल कमांड बच्चों हार्ड डिस्क के अंदर होती है। अब हार्ड डिस्क के अंदर किसके रूप में रहती है? तो हर चीज फाइलों के रूप में होती है। तो एक्सटर्नल कमांड मतलब एक तरीके से प्रोग्राम है जो एक्सटर्नली प्रोग्राम बनाए गए हैं। और बच्चों याद रखना उन प्रोग्राम के जो नाम है, जैसे स्कैन डिस्क, तो स्कैन डिस्क पूरा लिखा होता है, और डॉट SYS जो भी है उसका एक्सटेंशन लगा के उसमें छोड़ दिया जाता है, जब जरूरत है तो उनको कॉल कर लिया जाता है। तो तुम तो इतना समझ लो कि एक्सटर्नल कमांड हार्ड डिस्क के अंदर रहती है, और जब उनको जरूरत होती है तब प्राइमरी में कॉल कर लिया जाता है। एक बार मेरे हिसाब से इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड क्लियर हो गई होगी, इनमें कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आंतरिक कमांड क्या है? तो एमए डॉस की सभी इंटरनल कमांड command.com में परिभाषित होती है। इसके अंदर command.com, ये याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। command.com ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फाइल होती है, तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ये हमेशा रोम के अंदर आ जाती है, सॉरी रैम के अंदर आ जाती है। इसका नाम है command.com में परिभाषित होती है। यदि command.com आपके सिस्टम से हटा दिया जाए तो आप इंटरनल कमांड का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में से command.com नाम की फाइल को हटा दे तो ये खत्म हो जाएगा। सर हम कौन नेम से फोल्डर क्यों नहीं बना सकते? आ जाएगा शोपाल जी, कल सभी आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, कल तक सब आ जाएगा। क्यों नहीं बना सकते, उसका क्या रीजन है? पहले से प्री डिफाइन है,
अब प्री डिफाइंड फोल्डर है, डायरेक्टरी है, तो आप कैसे बना सकते हो? क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया क्या भाई? किसी भी सिस्टम के अंदर पहले से ही जो फाइलें हैं उनके नाम से आप कुछ नहीं बना सकते, और आ जाएगा आगे, और यही नहीं बना सकते, बहुत सारे नहीं बना सकते, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे अभी आने वाला है, एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड, जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल कमांड को चलने के लिए किसी विशेष फाइल की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है बच्चों? क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो ऑलरेडी होते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल कमांड को चलने के लिए किसी विशेष फाइल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब कौन कौन सी इंटरनल कमांड है? तो ये सीडी है, रीनेम है, डिलीट है, वॉल्यूम है, डेट है, टाइम है, ये सबको लिखने का तरीका आपको कल बताएंगे। क्लियर? और कल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही खत्म कर देंगे। क्लियर बच्चों? धन्यवाद। क्योंकि मेरा बैच आ जाता है 6:30 बजे, बहुत आसान होता है डोस, तो डोस आप पूरा कर लेना। आपके आइए वालों सुन लो, आपके कोर्स में डोस लिखा होता है, तो डोस का मतलब उसकी पूरी कमांड देख के जाना है। क्लियर? बाकी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख के चले जाओ, बहुत है। धन्यवाद बच्चों।